हेलो डियर स्टूडेंट स्टूडेंट मैं हूं हार्दिक बरवालिया और हम सीख रहे थे क्लास 10 का मैथ्स। तो स्टूडेंट मैथ्स में हम चैप्टर सीखते 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 हमने अगले ही वीडियो में कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 को भी फिनिश कर दिया, 8 को भी फिनिश कर दिया। लेकिन उसके आगे वाला पहले वाला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7 हमारा जो बाकी था, तो आज सीखते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 का हेडिंग आपके सामने दिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर का नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना, क्योंकि हमने इस चैप्टर को 9 स्टैंडर्ड में सीख लिया ही है। जी हाँ, 9 स्टैंडर्ड में आपका चैप्टर नंबर 3 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें क्या आ रहा था, तो उसमें आपको कोई एक पॉइंट दिया होता है ना, सिंपल आपको कोई भी एक पॉइंट दिया है, सपोज पी, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दो होंगे, एक तो एक्स होगा और एक तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, दो होंगे ना, एक्स और वाई। पहला जो होगा उसको हम एक्स ही बोलेंगे, दूसरा होगा उसको क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। तो जो पहला एक्स है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाम एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। अगर दूसरा नेम इसका क्या है, एब्सिसा। एब्सिसा पूछे आपको, ऐसा पूछे कि भाई एब्सिसा क्या है, तो भाई पहला जो होगा आपका एक्स, वो आपका एब्सिसा या तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसके बाद वाई जो है उसको हम क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, और दूसरा नाम उसका क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेट, आगे से कॉ निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेट, ओके। सपोज मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई एग्जांपल कोई भी एक पॉइंट ए है, उसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 3 और 2। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा पूछे कि भाई इसका ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट यानी कि वाई आपको लिखना है, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा ना आपका ऑर्डिनेट यानी कि 2 हो जाएगा। और एब्सिसा आपको पूछे तो एब्सिसा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 3 हो जाएगा। सिंपल इस फंडे को तो हमने सीख लिया था स्टैंडर्ड 9 में। तो भाई 10 स्टैंडर्ड में क्या करना है, तो 10 स्टैंडर्ड में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, पहले तो सपोज आपको कोई ग्राफ दिया है, ग्राफ में दो पॉइंट दिए हैं, कितने पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट्स। यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, सिंपल सा एक ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वाला। यहाँ पर एक्स होगा और वर्टिकली जो होगा वाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन ओ होगा, ओके। सपोज मैंने आपको पहला पॉइंट दे दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 करके ए, ए पॉइंट आपका दे दिया है मैंने 0 5, यानी कि उसका एक्स 0 है वाई पे 5, और बी पॉइंट दे दिया हूँ मैं आपको 3 0, यानी कि एक्स में 3 और वाई में 0। तो ग्राफ में कहाँ पर आएगी, ए 0 5 यानी कि वाई पे कहीं पे भी 5 होगा ना, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा पॉइंट ए, और बी पॉइंट यहाँ पर कहीं पे होगा 1 2 3 4, क्योंकि उसका एक्स ही है वाई 0 है तो यहाँ पर होगा। तो इन दोनों को मैं ज्वाइंट करूँगा तो मुझे ए बी लाइन मिल जाएगी। तो ए बी लाइन का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो इस चैप्टर में हमें वही करना है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला दिया जाएगा। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, और कोई भी दो पॉइंट आपको दिए होंगे उसका आपको डिस्टेंस फाइंड कर देना है कि भाई उन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, वही हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो यहाँ पर मैं स्टार बना देता हूँ और क्या लिख देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला। आप याद रख लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ओके आपको कितने पॉइंट दिए होंगे, 2 पॉइंट्स दिए होंगे, और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करके उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज यहाँ पर मैं जनरली लिख देता हूँ कोई भी एक पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन और वाई वन, दो है, और दूसरा पॉइंट आपके पास है बी, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू एंड वाई टू, है ना, एक्स वाई दोनों में ऐसा ही होगा ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस उसको हम बोल देते हैं ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू बड़ा सा क्या बना देना है आपको, अंडर रूट कर देना है। तो एक्स टू माइनस एक्स वन, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस, लेकिन पहले एक्स टू लिखना है, उसमें से एक्स वन को माइनस उसका स्क्वायर, और प्लस करके यहाँ पर वाई टू माइनस वाई वन उसका भी स्क्वायर कर देना है। सिंपल सा, यानी यहाँ पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लिख दिया, क्या किया है मैंने, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस और उसका स्क्वायर, लेकिन एक्स टू माइनस एक्स वन करना है, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट के भी माइनस और उसका स्क्वायर, और पूरा का पूरा जो टर्म है वो अंडर रूट में आ जाएगा।
और अगर आपको इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है तो क्या कर देंगे, तो यहाँ से जो रूट है ना उसको हटाकर यहाँ पर दे देंगे, तो ए बी स्क्वायर आपको पहले लिख देना है, कोई भी हो आपको पहले ए बी स्क्वायर लिख देना है, तो आपको क्या है बड़ा सा यहाँ पर रूट लगाना नहीं पड़ेगा। तो ए बी स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर सिंपल एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर और प्लस करके वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, तीनों टर्म का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर रूट निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट को निकाल कर मैंने लेफ्ट साइड क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आपको जो भी ईजी लगे आप यूज कर सकते हैं। अब इसको सम कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसको सॉल्व करके हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसके बाद हम 7.1 स्टार्ट करेंगे। चलिए तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपके पास दो पॉइंट है, सपोज मैंने P पॉइंट लिया है आपका 3 और 1 और Q पॉइंट आपको मैंने दे दिया है 6 और 4, तो इन दोनों के बीच का आपको क्या फाइंड कर देना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको रूट नहीं लेना है तो क्या ले लेना है, दोनों पॉइंट का स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों पहले तो यहाँ पर आपको नंबरिंग कर देना है। कैसे नंबरिंग, कि पहला पॉइंट एक्स वन उसके साथ वाई वन, यहाँ पर एक्स टू उसके साथ वाई टू। तो अब यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ऐसा आएगा ना। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एक्स टू यानी हमारा कितना हो जाएगा 6 माइनस यहाँ पर एक्स वन यानी कितना है 3 उसका स्क्वायर प्लस वाई टू यानी 4 है माइनस वाई वन यानी 1 है उसका स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर पहले आपको ब्रैकेट में अंदर कर देते हैं सॉल्व, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 उसका स्क्वायर, यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो 3 और उसका स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर मुझे मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18। अब बारी है रूट देने की, तो चलिए रूट दे देते हैं। यहाँ पर पी क्यू हमें फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को हटा देंगे तो राइट साइड रूट लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे आंसर आपको स्टॉप नहीं कर देना है, आपको सोचना है पहले कि भाई 18 के ऐसे कैसे पार्ट कर सकूं कि उसका रूट निकल जाएगा। तो 9 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 3 और रूट में बच जाएगा 2। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस मिल गया, दो पॉइंट हमारे थे पी और क्यू, उसके बीच कितना डिस्टेंस होगा 3√2 यूनिट। ओके, कोई भी पीछे यूनिट नहीं है तो आपको सिर्फ यूनिट लिख देना है, ऐसे ही यूनिट, अंडरस्टैंड। तो इस तरह के सम आपको करना है एक्सरसाइज 7.1 में, तो स्टार्ट करेंगे 7.1 नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए गुड बाय।